जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौज मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, आप सभी को पता एसएससी जेडी की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है, आप सभी को पता है 2021 की कब आने वाली है, जून के महीने में, जून का महीने की लगभग डेट आई हुई है, 10 से 15 जून के बीच में। लाड लो सभी का जो क्वेश्चन रहता है, सबसे ज्यादा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि एसएससी जीडी और आर्मी में क्या अंतर है, मतलब एसएससी जीडी और आर्मी में अंतर क्या है। कुछ को ऐसा लगता है कि ये दोनों की ड्यूटी सेम ही होती है, कईयों को ये लगता है कि एस एस जी डी की जो ड्यूटी होती है फौजियों की तरह नहीं होती है या पुलिस की तरह होती है, तो क्या इनकी भी ड्यूटी सेम फोर्स की तरह होती है या फौजियों की तरह होती है। तो आज मैं आपके कुछ बड़े बड़े डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ना कि पूरे, क्योंकि छोटा वीडियो बना रहा हूँ और जो आपके बड़े बड़े जो जितने भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात, तो एस एस जी डी के द्वारा आप पैरामिलिट्री फोर्स में लगते हो, पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे जितनी भी फोर्स है, NIA, SSF, CISF, BSF, ITBP, असम राइफल, CRPF और NIA, SSF, CISF, BSF, ITBP, असम राइफल, CRPF, SSB, इन 8 फोर्स में आप एसएससी जीडी के द्वारा लगते हो। और इन 8 फोर्स में आप सभी को पता है क्या मिलता है, आप सभी को आरक्षण मिलता है, जैसे एससी की कैटेगरी की मेरिट अलग होती है, एसटी की अलग होती है, ठीक है, ओबीसी की अलग होती है और जनरल की अलग होती है, इस बार ईडब्ल्यूएस की भी अलग होगी, सभी की आरक्षित सीटें होती है, सभी में आरक्षण दिया होता है। आर्मी में क्या होता है, किसी को कोई आरक्षण नहीं है, फिक्स एज क्राइटेरिया है 17.5 साल से 21 साल तक, एज क्राइटेरिया फिक्स है, किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, सभी के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी छूट नहीं है। अब इनकी जो ड्यूटी होती है उसको लेके काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, सर इनकी ड्यूटी में क्या क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बता दूं, ड्यूटी में ज़्यादा फर्क वैसे तो कई फर्क है, ठीक है, लेकिन हाँ एसएससी जीडी के द्वारा आप इनमें से कोई सी भी फोर्स में लग जाओगे ना, वो कोई सी भी फोर्स ओनली पुलिस फोर्स के रूप में काम नहीं करती है, उसके भी जो नियम कायदे कानून है, नियम जितने भी है, नियम या जो भी कायदे कानून है, वो सभी किस प्रकार के हैं, सभी के सभी फोर्स वाले हैं, ठीक है, सभी के सभी नियम कायदे कानून फोर्स वाले हैं, जिस प्रकार से सेना के नियम होते हैं उसी प्रकार से इनमें भी नियम होते हैं, छुट्टियाँ हो गई फिक्स नियम पे मिलती है, फिक्स शेड्यूल से मिलती है, वो नियम कायदे कानून सभी है। लेकिन एक सबसे बड़ा पंगा रहता है पेंशन को लेकर, ठीक है, पेंशन सबसे बड़ी टेंशन हो रखी है आज के टाइम में सभी की, ठीक है, पेंशन सबसे बड़ी टेंशन हो रखी है सभी को लेकर। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसमें पेंशन नहीं है, और आर्मी में आप सभी को पता है कि आर्मी में क्या है, पेंशन, पेंशन मिलती है आर्मी में। दोस्तों आर्मी की जो सर्विस होती है वो मिनिमम कितनी ईयर की होती है, वो होती है 16 साल की, ठीक है, और मैक्सिमम भी अगर आप एक ही पद पर रहते हो तो 16 से 17 साल आप सर्विस कर सकते हो, लेकिन एसएससी जीडी की जो सर्विस है वो मिनिमम होती है 20 ईयर की, ठीक है, कम से कम आपको 20 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 59 साल की ईयर तक कर सकते हो, यानी 59 ईयर तक आप ये सर्विस कर सकते हो एसएससी जीडी में लगकर, ठीक है। एसएसजीडी में जितने भी डिपार्टमेंट आ गए ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में आते हैं, इनको कैंटीन सुविधा जो आर्मी में मिलती है सीडीएस वो नहीं मिलती है, सीपीजी कैंटीन सुविधा ही मिलती है जिसमें जीएसटी लगती है, आर्मी की कैंटीन में जीएसटी नहीं लगती, साथ में पेंशन सुविधा नहीं मिलती है, एसएसजीडी के जो जवान जितने भी लगते हैं इन फोर्सेज में पैरामिलिट्री फोर्स में पेंशन सुविधा है, लेकिन कौन सी है, एनपीएस, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन सिस्टम है, वो ओपीएस हटा दिया गया है, और आर्मी में अभी भी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी ना, वो अभी भी है, ठीक है, आर्मी के अलावा नेवी एयरफोर्स में ये तीनों के तीनों जो डिफेंस है उनमें ये सुविधा है। अब इनमें और अगर बड़े अंतर आप देखोगे ड्यूटी में, तो देखिए इनकी जो ड्यूटी होती है आर्मी की, आप सभी को पता है कि जो ड्यूटी होती है वो युद्ध की स्थिति में ज़्यादा होती है, और इनकी जो ड्यूटी होती है वो विशेष करके जैसे बॉर्डर के रूप में या आंतरिक सुरक्षा के रूप में होती है, आर्मी विशेष रूप से तैयार रहती है बाहरी युद्ध के लिए, बाहरी आक्रमण के लिए, या विशेष करके काफ़ी टिपिकल इलाका जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ आर्मी की आरआप राष्ट्रीय राइफल काम करती है, या ज़्यादा टिपिकल एरिया जैसे हिमाचल, ये हिमखलन हो गया, या उससे आगे लद्दाख हो गया, लेह हो गया, या वहाँ पर जो बॉर्डर से संबंधित या ज़्यादा जहाँ पर फोकस रहता है वहाँ पर आर्मी लगती है, बाकी जितनी भी सेवाएँ रेखाएँ हैं वहाँ पर बॉर्डर जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करती है भारत पाकिस्तान पे, ठीक है, इंडिया और पाक के बॉर्डर पे, SSB भारत नेपाल के, ठीक है, भारत नेपाल बॉर्डर पे काम करती है, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे काम करती है, इसके अलावा जो CRPF आंतरिक सुरक्षा का काम करती है,
देश में, जैसे इलेक्शन हो गए, आंतरिक सुरक्षा संबंधी, या कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, या कहीं कोई छोटा मोटा अटैक हो गया उससे, या देश में बड़े बड़े नक्सलाइट एरिया में काम करती है सीआरपीएफ, यानी आंतरिक सुरक्षा के काम, और कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भी काम करती है, एआर असम राइफल, या आर्मी के साथ में अटैच ड्यूटी करती है, ठीक है, आर्मी के साथ में अटैच ड्यूटी करती है, एनआईए और एसएसएफ ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में तैयार नहीं करती, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करती है, जो आतंक विरोधी गतिविधियां होती है ना उनमें काम करती है, एसएसएफ ये सिक्योरिटी फ्रंटियर फोर्स के रूप में, जैसे दिल्ली में जितने भी संसद से संबंधित वो भवन इंपोर्टेंट होते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा इन्होंने ले रखा, सीआईएसएफ आप सभी को पता है इंडस्ट्रियल एरिया की फोर्स की सिक्योरिटी करती है, लेकिन इनके जो काम होते हैं सभी जो रहन सहन होते हैं वर्दी होती है वो फोर्स की तरह ही होती है, फोर्स के रूप में ही काम करते हैं, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना कि पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस ना कि आर्मी, आर्मी है वो एक डिफेंस है, जैसे नेवी एयरफोर्स और आर्मी इनको जो सुविधाएं मिलती है पूरी अलग है, इनमें किसी प्रकार का किसी को आरक्षण नहीं मिलता, एसएससी जीडी में एज के क्राइटेरिया में आपको पता है 5-5 साल 3-3 साल आरक्षण की छूट भी मिल जाती है, तो ये काफी बड़े बड़े अंतर है जो इनमें, अब और भी अगर आप पूछना चाहो मेरे से तो मैं आर्मी में आप सभी को पता है शहीद का दर्जा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में शहीद का दर्जा नहीं है, एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं है, आर्मी में आप सभी को पता है एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, एसएससी जीडी में वो भी नहीं मिलता, एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है बच्चों का वो रहता है रिलेशन का, तो मैं बता दूं आर्मी में मिलता है रिलेशन, किसमें मिलता है आर्मी, एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे लगते हैं उनमें रिलेशन नहीं है, एसएससी जीडी के बच्चे जो भी बच्चे लगते हैं एसएससी जीडी के थ्रू उनको किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं मिलता, ठीक है, एसएससी जीडी के थ्रू जितने भी बच्चे लगते हैं उनको, यदि उनके अगर फादर मान लो बीएसएफ में, आईटीबीपी में, असम राइफल में, इनमें है, तो उसका उनको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, कोई भी छूट उस प्रकार की नहीं मिलती है, ठीक है, मेडिकल सुविधाएं सेम है सभी में, स्कूल के बच्चों की फीस है वो भी सेम है, पेमेंट है, पेमेंट का क्राइटेरिया में ज़्यादा फर्क नहीं, पेमेंट सेम सा ही है, लेकिन उनमें ओपीएस जो पेंशन सिस्टम है वो अलग है, और इनमें एनपीएस पेंशन सिस्टम है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, बाकी जो मंथली पेमेंट है उसमें 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है, और वो भी इलाके वाइज, जैसे सीडी में भी, जैसे अगर मान लो कोई सीआरपीएफ में अगर वो कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है तो उसकी पेमेंट वहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, और आर्मी में अगर वो राजस्थान में ड्यूटी कर रहा है तो उसकी पेमेंट कम होगी, यानी टिपिकल एरिया के हिसाब से सभी में फोर्स में इसी प्रकार से होती है पेमेंट, पेमेंट में फर्क नहीं, तो मुख्य फर्क है वो एक तो जैसे आर्मी डिफेंस है इसमें पेंशन सुविधा है, एक्स सर्विसमैन कोटा है, रिलेशन मिलता है, इसके अलावा कैंटीन सुविधा है, सीडीएस कैंटीन सुविधा मिलती है जो, और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है इनको ये चीज़ें नहीं मिलती, शहीद का दर्जा है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज को ये शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, तो ये डिफरेंस होता है एसएससी जेडी और आर्मी में, ला रहा हूँ ध्यान रखना इस बात का, जय हिंद जय भारत।